इन तस्वीरों में जो खूबसूरत पॉटरी का काम दिख रहा है, उन्हें बनाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली चाक का उपयोग हुआ है। करंट व्हील इदागा, मैं जब बिजली से चलने वाला चाक चलाता था, तब मैं ग्रिड से मिलने वाली बिजली के भरोसे था। बिजली का आना जाना लगा रहता था। कर्नाटक का अलूर गांव मिट्टी के बर्तनों की वजह से जाना जाता है, पर बिजली की कटौती के चलते लोगों ने अपना पुश्तैनी काम छोड़कर दूसरे रोजगार का रुख किया। लेकिन गांव के ही रहने वाले रघुराम कुलाल ने सौर ऊर्जा की मदद से समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने अपना पुश्तैनी काम जारी रखते हुए सौर ऊर्जा से चलने वाली चाक का इस्तेमाल शुरू किया। एक सौर कंपनी ने मुझे मिट्टी गूंथने वाली सोलर मशीन दी। मशीन की वजह से मिट्टी काफी नरम गुथी, इससे बर्तन की क्वालिटी अच्छी हुई और देखते देखते मेरे बर्तनों की गुणवत्ता काफी बेहतर होती चली गई। साथ में उत्पादन भी बढ़ा और गुणवत्ता देखने लायक थी। पहले मैं 600 से 700 रुपए प्रतिदिन कमाता था, अब आमदनी 1000 से 1200 रुपए हो गई है। यह सब सौर उपकरण मिलने के बाद हुआ। मैं अपने साथ 4 और लोगों को काम पर लगा सकता हूँ। अब मेरी फैक्ट्री में 6 लोग हैं। ओवरगडे केलसा मारतारे, इदु मूर जन केलसा इल्ले रेगुलरी मारतारे। मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे का काम, रोटी बनाना और मछली बाजार, गांव में होने वाले कई तरह के काम में ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। सूरज से गांव में ही पैदा हो रही बिजली लोगों की समस्याएं दूर कर रही हैं। सोलर के पिट जाने के बाद अपने को अभी बहुत ये हो गया। ऐसे बोले तो 1000 का पहला आइस मंगाता था, अभी 1000 का आइस नहीं चाहिए अपने को। 300-300 आइस में हो जाता था अभी, और भी खर्चा भी कम हो गया, एक आदमी भी बच गया है। अभी जाने का आने का सब खर्चा बच गया है। और अपना ये फ्रिज लेने के बाद वो मच्छी भी रात को स्टॉक कर सकते हैं, रात को जो मच्छी आती है वो भी स्टॉक कर सकते हैं। फिर जितना भी धंधा कर सकेंगे तो उसमें स्टॉक करके फिर उधर से लेके आ सकते हैं, फिर वापस बिजनेस चालू ही रख सकते हैं। कम से कम डेली 2000-3000 प्रॉफिट हो जाते उसमें। ऐसे मच्छी के ज़्यादा भी बिकते और उससे अपना ये आइस में जो खर्चा करते वो पैसा भी ज़्यादा बच जाते और एक आदमी का पगार भी बच जाते। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की योजना बनाई है। बिजली के विकेंद्रीकृत स्रोत ग्रामीण व्यवसायों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, हालांकि उनकी लागत कम करना एक चुनौती है। इस समय कई संगठन भी सब्सिडी के माध्यम से सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इवन आफ्टर द सब्सिडीज, यू नो, इवन पेइंग 10 और 15, आमतौर पर सब्सिडी लागत का 10-15% होता है। इसके बावजूद लोगों को लागत जुटाने में समस्या होती है। इनमें से कुछ योजनाओं में भी समाज में हाशिए पर जी रहे लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा था। उनके पास वित्तीय संसाधनों तक पहुंच नहीं है या कुछ स्थानों पर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ये लोग पीछे छूट जाते हैं। यह CSR और गैर सरकारी संगठनों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह भी जरूरी है कि वित्त की पहुंच यहाँ समुदायों के लिए सुविधाजनक हो, ताकि हम सौर ऊर्जा का उत्थान देख सकें। क्रिएटिंग न्यू जॉब्स,